अस्सलाम वालेकुम, मुमकिन पकवान में आपका स्वागत है। चलिए आज मैं अलग तरीके की चटनी बनाने जा रही हूँ। चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। आज मैं भुने हुए बैंगन की चटनी बना रही हूँ। चलिए देखते हैं उसके लिए हमें क्या क्या लगेगा। ये हमने भरते का एक बैंगन लिया है, आप चाहे तो नॉर्मल बैंगन में भी बना सकते हैं। ये दो टमाटर है, 6 से 7 हरी मिर्ची है, 1 जवे लहसुन का है, ये 1/2 टीस्पून नमक है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं मेरी तरीके से। हम तवा गैस पे गर्म होने रख देंगे और बैंगन और टमाटर को इस तरीके से काट लेंगे। हमने तवे में 2 टेबलस्पून राई का तेल डाला है और इसे थोड़ा भाप आने तक गर्म होने देंगे ताकि राई के तेल का कड़वापन निकल जाए। तेल गर्म हो गया है, अब हम इस तरीके से बैंगन और टमाटर दोनों भी तवे पे बिछा देते हैं और इसे ढक्कन से ढक देते हैं। गैस का फ्लेम स्लो करके इसे थोड़ी देर भुनना है। देखिए एक तरफ से बैंगन और टमाटर भुन चुका है, अब इसे पलटी मार के दूसरी तरफ से भी भुन लेंगे। बैंगन नरम होए तक हमें इसे अच्छे से भून के लेना है ताकि इसमें ज़रा भी कच्चापन बाकी ना रहे। अब इसे हम ढक के रख देते हैं। देखिए हमारे बैंगन और टमाटर भूनकर तैयार है। बीच में हमने एक बार चेक कर लिया था और इसे थोड़ी देर और रख दिया था। हम इस तरीके से दबा के बैंगन को फोड़ लेंगे क्योंकि हमें इसी तरीके का बैंगन भुना हुआ चाहिए, और टमाटर को भी दबा के इस तरीके से फोड़ लेंगे। इसे हम थोड़ी देर गैस पे ही पकाएंगे, फिर इसे एक प्लेट में ठंडा करने के लिए निकाल देंगे। अब इसी तवे पे हम थोड़ा तेल डालकर मिर्ची और लहसुन को भी थोड़ा सोटे कर देते हैं। मिर्ची और लहसुन अच्छा लाल हो गया है, हम इसे थोड़ा ठंडा करने के बाद जार में डाल के पीस लेते हैं। हम इसमें 1/2 टीस्पून नमक डालकर दरदरा पीस लेते हैं। हमें लहसुन और मिर्ची को पहले पीस के लेना है क्योंकि बैंगन के साथ पीसेंगे तो मिर्ची और लहसुन पीसे नहीं जाएगा। अब इसमें हम बैंगन और टमाटर भी डाल के इसे भी पीस लेते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखिए हमारी स्वादिष्ट भुने हुए बैंगन की चटनी बनकर तैयार है। आप इसे फ्रीज में 2-3 दिन तक रख के खा सकते हैं। आप भी मेरी तरीके से बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।